हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। कैसे हो आप सब? और मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है अभी अभी। बस मैं बेटे का लंच बनाऊंगी और बस अभी हमने चाय पी है, चाय बनाई है अभी मैंने पी ली है। अभी मुस्कान को जगाऊंगी, वो चाय पिएगी और अभी मैं बेटे के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, वो जाएगा जॉब पर अभी, और उसके लिए फिर मैं लंच बनाऊंगी। और लंच में उसके मैं आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और दही या रायता दूंगी उसको। और बताओ आप सब कैसे हो? सुबह सुबह गाइस बहुत काम होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह एक तो जल्दी टाइम होता जाता है और ऊपर से काम इतना होता है सुबह सुबह। तो अभी बस मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी और फिर मैं बनाऊंगी रोटियां, या बेटे से पूछूंगी आलू मटर की सब्जी के साथ, वो पूरी लेके जाएगा तो पूरी बनाऊंगी और फिर बाद में सारे किचन विचन मैं बाद में साफ करूंगी। अभी बस बेटी को जगाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ाई करके सोती है, तो उसको मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। मेरा तेल पक गया है, मैंने प्याज और जीरा डाल दिया है गाइस, और मैं आलू मटर की सब्जी में थोड़ा दही भी डाल लूंगी गाइस, क्योंकि दही से कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है सब्जी में। गाइस मैंने मटर डाल दिए, पहले मैं थोड़ा मटर को पकाऊंगी क्योंकि आलू मैंने उबाल के रखे हुए पहले ही, इसलिए थोड़ा पहले मैं मटर को पका लूंगी, उसके बाद मैं आलू डालूंगी और फिर डालूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ज़्यादा पतली सब्जी नहीं बनाऊंगी, सूखी सब्जी पसंद करता है मेरा बेटा, उसके लिए मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ। बाद में थोड़ा पतली सब्जी करूँ क्योंकि कोई तरीदार खाता है, कोई सूखी खाता है गाइस, सबके नखरे अलग अलग। तो बस अब थोड़ा मटर पक जाएगी, उसके बाद मैं डाल दूंगी आलू और फिर मेरी हो जाएगी सब्जी तैयार, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है और किचन मेरा सारा फैला हुआ है, देखो अब सारा काम करके तब मैं किचन को साफ करूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। मैं आई हूँ अभी शॉप पर, घर का सारा काम करके 11 बज गए हैं और शॉप मुस्कान ने पहले से खोल रखी थी, पूरी शॉप की साफ सफाई कर रखी थी उसने। मैंने आके बस पूजा की है और मुस्कान को घर भेज दिया है, अब वो घर गई है, जाके वो भी अपना नहाएगी। काम मैं सारा करके आई हूँ और बस अब दोपहर में जाके मुझे लंच बनाना है। बस सुबह अमन का ही लंच पैक किया था मैंने और नाश्ता बनाया था इनके लिए थोड़ा, और बस अब दोपहर में जाके बनाती हूँ। सब्जी बना के आई हूँ मैं, आटा लगा के आई, तो बस रोटियाँ डाल ली हैं दोपहर में जाके मुझे, और अब मैं 2 बजे तक शॉप पर ही रहूंगी, मिलती हूँ आपसे दोपहर में घर जाके। गाइस अभी जा रही हूँ मैं घर पे, लंच टाइम हो गया है और बच्चों की हो गई है छुट्टियाँ, और ये देखो टाइगर। मैं आ गई हूँ सिलाई वाली शॉप पर जो प्लॉट में ही है। नमस्ते भाई, तारी वीडियो बना रही हूँ। लाइव चल रहे हो तुम लोग। और अभी जा रहे हैं घर पे और धूप निकली हुई है, ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखो। और इसको देखो, टैगू को देखो, ये अभी मैं प्लॉट में आई हूँ तो ये देखो कैसे कर रहा है, ऐसे ही करता है ये, देख के सबको मस्ती कर रहा है ये, देखो एक्टिंग देखो इसकी, टैगू देखो इसकी एक्टिंग देखो, ऐसे ही एक्टिंग करता है ये, अभी ऐसे ही करता रहेगा कि मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो ये ऐसे ही करता रहेगा।
और बस अभी जा रहे घर पे, जाके देखते हैं मुस्कान क्या कर रही है क्या नहीं। जाके मैं लंच बनाऊंगी, फिर सब गरम गरम खाना खाएंगे, फिर देखती हूँ। और बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है, बच्चे आ रहे स्कूल से। मैन गली से गाइज मैं आ गई थी शॉप पर 4 बजे, और अभी मुस्कान लेके आई है घर से चाय, सिलाई वाली शॉप पे दे के आ गई है। और अब मेरी और अपने लिए डाल रही है चाय, और ये लड़की घर पी के नहीं आती है चाय, ये मम्मी के साथ शॉप पे ही पीती है। इसको सुबह की चाय भी मम्मी के साथ चाहिए, शाम की चाय भी, खाना भी मेरे साथ ही खाती है। और कितनी खुश हो रही है चाय देख के इसी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप लोग भी आ जाओ चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय। ये देखिए मुस्कान बहुत अच्छी चाय बनाती है गाइस, और ठंडी में तो चाय के मजे ही कुछ और है। ये देखो ये लड़की ने कितनी जल्दी कप उठाया है, इसका कितना मन कर रहा है चाय पीने का। ठंड लग रही है। और गाइस मैंने चला रखा है हीटर, दुकान में बहुत ठंड है। मेरी दुकान में गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है और ठंडी भी बहुत ज्यादा लगती है, पता नहीं क्या है। जो भी आते सब बोलते हैं कि तुम्हारी दुकान में तो बहुत ज्यादा ठंड है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं आ गई हूँ गाइस घर पे, बस अभी आई हूँ। और अमन लेके आ गया है पानी, और अपनी मौसी की लड़की को भी, वो नीचे माजी के पास है, आज वो इधर ही सोएगी, परसों अपनी ससुराल चली जाएगी, तो यही सोच के ले आए कि आज हमारे साथ रह लेगी। और मुस्कान को पता भी नहीं है कि शिवानी आई है, देखती हूँ क्या कर रही है वो। ये अपनी पढ़ाई कर रही है, इस टाइम ये पढ़ाई करती है, मैं शॉप से आती हूँ तब ये पढ़ती मिलती है मुझे। और अभी देखती हूँ क्या बनाना क्या नहीं, और देखती हूँ उन्होंने जोत लगाई नहीं लगाई, जोत भी लगा दिया इन्होंने। आप भी कर लो भगवान जी के दर्शन, ले लो आशीर्वाद। और बस अभी मैं चेंज करके जाती हूँ किचन में। और अमन डाल रहा है मटके में पानी, अभी गाइज कर रहे हैं डिनर। और डिनर में है ना आज नमकीन चावल और दही और आलू मटर की सब्जी और रोटी भी है, लेकिन हम सब नमकीन चावल खा रहे हैं। मुस्कान को भी नमकीन चावल खाने थे और अमन को भी, और अभी ये दोनों लड़ रहे थे। अब इनकी शक्ल देखो कितने शांत बैठे हैं। जैसे ही मैंने फोन उठाया इनकी जुबान पे एकदम ताला लग गया है, कह रही हम शांत बच्चे हैं। अभी मैं इनका दिखाऊंगी कभी और दोबारा असली रूप इनका। दोनों लड़ते हैं। आ जाओ आप लोग भी डिनर कर लो हमारे साथ। अभी हमने गाइस कॉफी पी है, सबने मिलके कॉफी के मजे लिए है, मुस्कान ने, शिवानी ने और मुस्कान के पापा ने पी है चाय। अभी सब आराम से बैठ के गप्पे लगाने लग रहे हैं चाय पी के, कॉफ़ी पी के। जिसका मन किया कॉफ़ी, जिसने जिसका मन कॉफ़ी का था वो कॉफ़ी पी रहे थे, जिसका चाय का वो चाय। और मुस्कान ने भी आज दूध नहीं पिया, हमारे साथ कॉफ़ी पी है। नहीं मैं इसको देती नहीं, पर आज इसको दे ही दिया कि चल आज शिवानी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी लेगी, फिर शिवानी चली जाएगी अपनी सासू माँ के पास। चलो गाइज मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। मुस्कान गुड नाइट बोल सबको। बाय बाय। गुड नाइट बोल। बाय बाय क्या होता है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सुबह मिलेंगे। सो जाओ सारे।